बस करो अबू, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। बस बहुत हुआ अप्पू। ओह, मैं खेल भी नहीं सकता क्या? जाओ जाकर कोई और खेल खेलो, वरना भूत हाथी आकर तुम्हें खा जाएगा। मैं तो सिर्फ खेल रहा था, पर मम्मी ने कहा कि अगर मैंने और मस्ती की तो भूत हाथी आकर मुझे खा जाएगा। क्या कहा, भूत हाथी? ये कौन सा हाथी होता है? वो बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, लंबे लंबे दांत और उसके मुंह से आग भी निकलती है। बस दुआ करो वो नदी के पास ना आ जाए। क्यों, क्या हुआ? वरना हम नहा नहीं पाएंगे। ओह, तो हम नहाने जा रहे हैं। कौन पहले पहुंचता है? अपना ख्याल रखना। अरे कौन सा भूत हाथी? भूत हाथी कहाँ है? नहीं, वो तो मैं बस, अरे छोड़ो भी बघीरा। भागो, हम कछुए हैं बू, और कछुए कभी नहीं भाग। भागो, बचाओ बचाओ। मेरे लिए रुको, मैं तो चला। वो तो भूत हाथी है, मुझे खाने आ रहा है, भागो बचाओ। अब्बू, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो एक बाल बाल बचे। मोगली, मुझे लगा आज मोगली मोगली। ओ, इस हड्डी में तो हड्डी भी नहीं बची। माफ करना टमाटी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं दिखती तुम्हें। वैसे कहाँ जा रहे हो अपू? मैं मोगली के साथ नदी में नहाने जा रहा था, तभी भूत हाथी की आवाज आई, हम उससे बचकर भागे। मैं तो निकल गया, पर मोगली साथ नहीं था। मतलब वो वहीं नदी के पास ही है, वो भी अकेला? लगता तो है, बस अगर उस भूत हाथी ने उसे खाया ना हो। अरे ये भूत हाथी क्या बला है? वो शरारती हाथी के बच्चों को सबक सिखाता है, और जो भी उसकी सूंड के सामने आता है वो उसको तबोच देता है, पिचका देता है। अरे बस करो, वैसे मोगली अपने आप में बहादुर बच्चा है तो इंसानी, इसीलिए मैं देखता हूँ वो ठीक है कि नहीं। ओह, तो तुम जाओगे? लगता है किस्मत खुल गई मेरी, बहुत ही जल्द मुझे मिलेगी इंसानी हड्डी। बाल बाल बचा। हेलो, अरे मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हम तुमसे नहीं डर रहे हैं, पापा से डर रहे हैं। जकाला से? ये जकाला को हो क्या गया है? वो उनके दांत में दर्द है, इसलिए इतना गुस्सा कर रहे हैं। समझ सकता हूँ। तुम कुछ कर सकते हो? वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। उनकी मदद करो ना मोगली। अच्छा, कर तो दूं, पर कैसे?
ये बताओ इस भूत हाथी का मोगली से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ बच्चों को डराने वाली बात है शेर खान। काम की बात ये है कि उस अप्पू ने इंसानी बच्चे को नदी के पास अकेला छोड़ दिया है। कहीं एक बार फिर से तू मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाएगा तबाकी? अरे नहीं, खबर पक्की है, इस बार तुम्हें इंसानी बच्चा मिल जाएगा और मुझे भी उसकी एक हड्डी मिल जाएगी ना। चितड़े खा लेना। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? पता चल जाएगा। बलू, वो मोगली बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्या? पर कैसी मुसीबत? हम नदी में कूदने ही वाले थे पर तभी भूत हाथी आया। मैं तो वहाँ से बच निकला पर मोगली। अरे नहीं अप्पू, मुझे नहीं लगता ये भूत हाथी जैसी कोई चीज होती है। होती है, मैंने देखी थी और टबाकी ने भी कहा था। टबाकी? हाँ, उसने मुझे जाने को कहा और बोला कि वो मोगली की मदद करेगा। चलो बघीरा। थोड़ा रस तो लेना ही होगा। मुझे मत खाना। हाँ तुझे क्या, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, मेरे दांत में दर्द है बच्चे। जरा मुंह खोलो। हाँ ये रहा, अब ऐसे ही रहना। हाँ जकाला, जितना मुंह खोल सकते हो उतना खोलो। तैयार? ये क्या बेहुदा मजाक है? दर्द गायब, मजा आ गया। इंसानी बच्चे, एक और एहसान तुमने मुझ पर। शुक्रिया। बहुत खूब तबाकी, ये खबर तो पक्की निकली। कहा था ना, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, बस मेरी हड्डी मत भूलना। कब से इंतजार था इस मिलन का बरखुरदार, आज किस्मत ने मिलाया है हमें, पर अफसोस आज तुझे नहीं बख्शूंगा मैं। बड़ी भूख लगी है मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। आ, आ, बचाओ। बचाओ। ओ, से। लगता है इसने भी भूत हाथी को देख लिया। भूत हो या हाथी, दुआ करो कि हमारे मोगली को कुछ ना हुआ हो। शुक्रिया जकाला, आज तुम नहीं होते तो मैं। नहीं जकाला। ओ, कैसे हो बलू? ये दोस्ती आज के लिए समझो, मगर कल से मुझे अपना दुश्मन ही समझना इंसानी बच्चे। मोगली, ये जकाला ही था ना? और क्या बलू, आज की कहानी मजेदार थी,
हाँ, मुझे पता है तुमने भूत हाथी को हरा दिया ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो रास्ते में सुनाता हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था आज का लेसन हम दांतों पर अगर लेकर। रोज सुबह सुबह ठंडे पानी के छींटे मारने जरूरी है क्या बलू? हाँ, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बघीरा ये क्यों नहीं करता? क्योंकि महाशय अभी भी सोए हैं और उन्हें पानी से एलर्जी है। हो गया। मोगली वापस आओ। इस सीरम से दूर ही रहना बाकी है। ये मेरा शिकार है, तुम नहीं चुरा सकते। क्या? पर मैंने कब ऐसा कहा? सुबह सुबह शुरू हो गए फियोना। बात शुरू हुई है उसे खत्म अकेला करेगा। फियोना रुको, मैं तो ऐसा ये फियोना की नई चाल है तुम्हें फिर से झुंड से निकलवाने की। ये साजिश है। एक भेड़िया कभी भी दूसरे साथी का खाना नहीं चुराएगा। काश मोगली भेड़िया होता तो ये बात समझ पाता। ये बात वाकई गंभीर है। पर मैंने इसका शिकार नहीं चुराया अकेला। हाँ, मोगली सच कह रहा है। तुमने खुद देखा बलू? नहीं देखा तो नहीं, पर इस पर भरोसा करोगे अकेला? एक असली भेड़िये पर या इस धोखेबाज पर? इस मामले को सुलझाने का एक ही तरीका है। मोगली को भी बाकी जवान भेड़ियों की तरह एक इम्तिहान देना होगा ताकि वो साबित कर सके कि वो असली भेड़िया है। कोहरा घाटी का इम्तिहान। उस खतरनाक कोहरे की घाटी में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम अकेले रहोगे, इसलिए मुसीबतों को सूंघ के और सुनकर भापना होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बताओ ये क्या है? ये तो नदी की खुशबू है। अब नहीं, मछली की। ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो कोई फल लगता है। सही जा रहे हो। और ये बताओ, ये कोई सड़ी हुई चीज है। क्या था ये बलू? खैर छोड़ो, ये काम हो गया। अब आवाज टेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बलू। माफ करना। बघीरा आ गया, मतलब लंच टाइम। आज का खाना कैसा लगा शेर खान? ये कमजोर मछलियाँ तो मेरे दांत में चिपक जाएंगी। मेरी भूख ऐसे नहीं मिटेगी। तुझे ही मेरे लिए शेरों वाली खुराक लानी होगी गीदड़, क्योंकि मेरा पंजा जख्मी है। ओह, हिरन ला, भैंसा ला, या फिर इंसानी बच्चा। ठीक है शेर खान, मैं समझ गया शेर खान। जो तुम बोलो शेर खान। फियोना, खामोशी से मेरी बात सुन गीदड़। मोगली, वो अकेला है? पर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हो जो उस मोगली को कोहरे की घाटी में खत्म कर दोगे। लेकिन ये काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। इम्तिहान के दौरान अकेला की नजरें मुझ पर ही गड़ी होंगी। मुझे उसे घाटी के पास ही मिलना है। करोगे ना? एक मिनट रुको शेर खान, खाने का इंतजाम हो गया। क्या लगता है बलू, मैं इम्तिहान पास कर लूंगा? वो फिक्र छोड़ो, बस इम्तिहान दे दो। तैयार हो मोगली? हाँ हूँ। तो नियम बहुत आसान है। तुम्हें अकेले ये घाटी पार करनी है और दूसरी तरफ मुझसे मिलना है। और सही रास्ता साबित करने के लिए तुम्हें अपने साथ बड़े कैक्टस का फूल, गरम फुहारे का पत्थर और काली झाड़ी की पत्ती लानी है। ओ, हमने इसकी तो प्रैक्टिस की ही नहीं। अगर ये कोई मुसीबत में फंस गया तो? हम पहाड़ी के ऊपर ही रहेंगे जहाँ से उसकी आवाज सुन सके। अगर मुसीबत आए तो वो हमें पुकार सकता है। अगर उसे मेरा पता चल गया तो? इसी बात का तो ध्यान रखना होगा। घने कोहरे में मुझे नहीं लगता तुम्हें उस मोगली के बच्चे का सफाया करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। फियोना कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए। मुझे जाना होगा, काम करके लौटना। मैं आ गया अकेला।
कैक्टस के इलाके में सरसराती हुई आवाज आएगी और गर्म फुहारे के पास सड़े अंडों की बदबू और काली झाड़ियों से हो गया बलू, क्योंकि मोगली को अपना इम्तिहान शुरू करना है। घबराना मत बलू, जितना तुमने सिखाया है मैं कुछ नहीं भूलूंगा। ओ, क्या बात है बच्ची। ओ, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, घबराना मत, मुझे भी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और रास्ते भर नाक कान खुले रखने होंगे। फूल तो मिल गया। अकेला बलू, मैंने बड़े कैक्टस का इलाका पार कर लिया है। एक काम पूरा, अब बस दो बाकी हैं। बहुत अच्छे मोगली, ऐसे ही बढ़ते रहो। कितनी गंदी बदबू है। तभी यहाँ इतना कोहरा रहता है। इम्तिहान पास कर लेगा। हुर्रे, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या देख रहे हो फियोना? तुम्हें कुछ दिखा? ऐसा लगा कि शेर खान है, हमें देखना चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा। अब तक वो मोगली जिंदा क्यों है चबाकी? समझो किस्मत खराब थी, पर अब देखना मैं उसे लालच देकर वहां तक ले जाऊंगा और बड़े पत्थर के नीचे दबा दूंगा। जो करना है जल्दी करो। मैंने देखा वो एक हिरन था। तुम्हारी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है फियोना, पर जो भी है तुम कामयाब नहीं होगे। मोगली भेड़ियों की ये परीक्षा जरूर पास करेगा। अफसोस की बात है, तुम्हारी चाल बेकार जाएगी। मेरी चाल कभी बेकार नहीं जाती। किस चाल की बात कर रहे हो तुम, हमें भी बताओ। कुछ नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा फियोना। मैं हमेशा से जानता था कि तुम मोगली से चिढ़ते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी हद पार कर दोगे। तो मोगली को इस इम्तिहान की जरूरत ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोगली, मोगली! बलू, मोगली, बलू, मोगली, बलू, तुम ही हो ना? फियोना का भांडा फूट गया। बचाओ, कोई तो बचाओ। दूर, दूर चलो। कहाँ से चिपक गए? तो बाकी तुम? ये तो लीच है, यही झाड़ियों में रहते हैं। इनका काटना बहुत खतरनाक होता है, शरीर अकड़ जाता है। देखना ये भी अकड़ जाएगा। ये तो अकड़ गया। घबराओ मत, कुछ घंटों के बाद ये ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मेरी दोस्त।
मोगली को हमारे झुंड की काबिल सदस्यता साबित करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये बात खुद को सभी भेड़ियों के वकील समझने वाले भी सुन लें। ये वाकई एक असली भेड़िया है। ओह, तुमने तो मुझे रुला दिया मोगली। इमोशनल होना। अरे छोड़ो भी।